हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास टेंथ की जो मैथमेटिक्स की फाउंडेशन बुक एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स से हमने स्टार्ट की हुई है उसका जो चैप्टर सिक्स ट्रायंगल्स हमारा रनिंग में है उसका ये लेक्चर थर्ड है। लेक्चर फर्स्ट में हमने सिमिलरिटी को समझा था और लेक्चर सेकंड में इस एक्सरसाइज 6.2 से पहले जो थेल्स थ्योरम थी, बीपीटी थ्योरम और उसकी जो कन्वर्स थी, साथ में उनके जो कोरोलरी थी उनको समझा था। ठीक है, तो अब इस लेक्चर थर्ड में हम एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, देखो। इन ए ट्रायंगल एबीसी, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स एबी एंड एसी रेस्पेक्टिवली सच दैट डीई पैरेलल टू बीसी। ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा इसका। कोई एक ट्रायंगल आपके पास, वो ट्रायंगल एबीसी है, मान लेते ये वो ट्रायंगल है एबीसी, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड एबी एंड एसी रेस्पेक्टिवली, यानी डी पॉइंट किस पे, एबी पे, एबी पे कहीं ना कहीं डी होगा मान लेते यहां पे है, और ई ए सी पे होगा सच दैट इस तरीके से है कि डी ई को जब आप ज्वाइन करोगे तो वो बी सी के पैरेलल आएगा। इस टाइप से यहाँ पे कहीं ना कहीं ई होगा और ये जो डी ई है ना वो बी सी के पैरेलल है, ये गिवन आपको। ठीक है, अब इसमें क्या हमको फाइंड करना है, इफ ए डी इक्वल 6 सेंटीमीटर, अगर ए डी 6 सेंटीमीटर हो, डी बी 9 सेंटीमीटर हो, ए ई 8 सेंटीमीटर हो, तो ए सी हमको फाइंड करनी, कंप्लीट साइड ए सी हमको निकालनी है। ठीक है, ये कंडीशन हमको गिवन है, डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई बी सी के पैरेलल है। ओके, अगर डी ई बी सी के पैरेलल है तो हम बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं, देन ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी बाई बीपीटी, बीपीटी का रिजल्ट हमने काम में लिया है अगर ये दोनों पैरेलल थी उस केस में। ठीक है, अब यहां पे जो आपके पास साइड है वो पुट कर दो, यहां पे ए डी 6, ए डी के प्लेस में 6 लिखेंगे, डी बी, डी बी कितना है 9, ए ई कितना है 8, ई सी नहीं है उसको एज इट इज मैंने ई सी लिखा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व, या फिर आप इसको कैंसिल कर दो, 3 से 2 जा 3 जा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 ई सी 3 8 जा 24, अब यहाँ से ई सी आप निकाल सकते हो इजीली, 24/2 यानी 12, तो ई सी आपने कैलकुलेट किया 12 आ गया। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, ए सी, ए सी को मैं लिख सकता हूँ ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, ए ई देखो कितने है, ए ई 8 सेंटीमीटर प्लस ई सी अभी आपने कैलकुलेट किया 12, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड आंसर। अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, तो इसके सेकंड पार्ट में हमको ए डी गिवन है, ए बी गिवन है, ए सी गिवन है और ए ई कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन यही है, कॉमन है सभी में, डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, सिंस डी ई पैरेलल बी सी, देन रेशियो हम निकाल सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी, है ना, लेकिन मैं ई सी ना लिख के ए सी लिखूंगा, कंप्लीट कंप्लीट ए सी, और यहां पे डी बी ना लिख के कंप्लीट ए बी लिख दूं, कोरोलरी ऑफ पीपीटी। ठीक है, बीपीटी की जो कोरोलरी हमने डिस्कस की थी वो हमने अप्लाई किया है कि ये जो पार्ट है इसके अपॉन कंप्लीट साइड को लिख सकते हैं, इधर भी इस पार्ट के अपॉन कंप्लीट साइड को लिखा जाएगा। ओके, अब जरूरी नहीं यही लिखते, हम बीडी के अपॉन कंप्लीट साइड और इस पार्ट नीचे वाले पार्ट के अपॉन कंप्लीट साइड भी लिख सकते थे, लेकिन जिस जिस की हमको यहां पे इंफॉर्मेशन है उसके कॉरस्पॉन्ड अगर हम देखें तो एडी गिवन है तो एडी को हम लेंगे और कंप्लीट साइड एबी गिवन है तो कंप्लीट एबी साइड को हम लेंगे। ठीक है, अब वैल्यू पुट करनी है हमको, एडी कितना है 2 अपॉन एबी कितना है 6 इक्वल ए ई कितना है वो तो फाइंड करना है, ए ई एज इट इज अपॉन ए सी, ए सी कितना है 9, ये 1 जा ये 3 जा, इसका मतलब 1/3 इक्वल ए ई अपॉन 9 आपको मिल चुके हैं, ये 9 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई 1/3 इंटू 9, इधर क्या बचा ए ई, सोल्व करो ये 1 जा और ये 3 जा, तो ए ई आ गया आपके पास 3 सेंटीमीटर, ए ई विल बी 3 सेंटीमीटर। ओके, थर्ड पार्ट को देखते हैं, तो थर्ड पार्ट में आपको ए डी गिवन है 4 सेंटीमीटर, ए ई 8 सेंटीमीटर, डी बी आपको एक्स माइनस 4 और ई सी आपको 3x-19 दे रखा है, तो ये जो अननोन एक्स है इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ओके, कंडीशन वही है इसमें, क्योंकि हमारा जो मेन क्वेश्चन है उसमें दे रखी है ना डी ई पैरेलल टू बी सी, अगर डी ई बी सी के पैरेलल है तो इनके साथ हम क्या रेशियो ले सकते हैं, सिंस डी ई पैरेलल टू बी सी, ट्रायंगल भी हमारा यही चलेगा। ठीक है, अगर डी ई बी सी के पैरेलल है, दिख जाएगा यहां तक। ओके, तो इस केस में दिस इंप्लाइज, या फिर आप देन लिख सकते हो,
यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए डी और ए ई आ रहा है, ठीक है, ये छोटे छोटे पार्ट हैं। उसके बाद डी भी आ रहा है, मतलब इस पार्ट के नीचे इस रेशो को हम लेके चलेंगे, मतलब वो जो बीपीडी थी उसको हम अप्लाई कर रहे हैं। ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। यहाँ पे कोरोलरी यूज नहीं हो रही, कोरोलरी तब यूज होगी जब आपको एक पार्ट मिले और कंप्लीट साइड मिले, उस केस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, डी बी छोटे वाला पार्ट है, ए डी छोटे वाला पार्ट है, यानी इन पार्टों की बात हो रही है, ठीक है। तो हम बीपीटी अप्लाई करेंगे, ना कि इसकी कोरोलरी, ओके। अब वैल्यू पुट करनी है हमको, दिस इंप्लाइज ए डी देखो 4, डी बी एक्स माइनस 4 इक्वल ए ई 8 और ई सी 3x माइनस 19। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर आएगा 4 इंटू 3x माइनस 19 और 8 के साथ आएगा x माइनस 4, 8 इंटू x माइनस 4, ये 4 मल्टीप्लाई में अपॉन में आएगा ना, तो इसको कैंसिल आउट करेगा 2 टाइम, 3x माइनस 19 इक्वल 2x माइनस 8, 2 4 जा 8, वेरिएबल एक तरफ कॉन्स्टेंट एक तरफ कर लो, 3x माइनस 2x ये इधर आएगा प्लस 19 माइनस 8, ये आ गया x, ये आ गया 11, इसका मतलब x की वैल्यू 11 होगी यहाँ पे। फोर्थ पार्ट में हमारे पास अब की बार ये रेशो एज इट इज दे दिया AD बाई DB, कौन सा, ये वाला रेशो AD बाई DB, और ये हमको पता है अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो उस केस में BPT अप्लाई करके AD बाई DB इक्वल AE बाई EC लिख सकते हैं। AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC यूजिंग BPT। अब यहाँ पे AD बाई DB कितना है, 3/4। AE बाई EC, हमको AE तो कैलकुलेट करना है तो AE को मैंने AE लिखा, ठीक है, और EC को मैं AC फॉर्मेट में लिखूँ तो क्या लिखूँगा, AE को, तो AE को अगर मैं लिखना चाहूँ तो टोटल AC उसमें से EC को माइनस कर दो तो AE बचेगा। तो अब मैं EC को लिख रहे थे ना, अपॉन EC, हाँ EC को लिखना चाह रहे हैं, तो EC को अगर हम लिखना चाहें AC के फॉर्मेट में तो क्या आएगा, टोटल AC उसमें से AE माइनस कर दो तो EC बचेगा, AC माइनस AE इक्वल EC, तो EC को मैं क्या लिखूंगा, AC माइनस AE, क्योंकि हमारे पास AC था इसलिए AC फॉर्मेट में लिखा, AC माइनस AE, ये आ गया EC, ठीक है, EC बोलो या CE बोलो एक ही बात है। अब इनको सोल्व करना है, 3 अपॉन 4 इक्वल AE फाइंड करना है अपॉन AC, AC कितना है 15 माइनस AE, चाहो तो आप AE को एक्सलेट कर सकते हो या फिर AE फॉर्मेट में रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 15 माइनस AE और इधर 4 इंटू AE, 3 को मल्टीप्लाई करो, 45 माइनस 3 AE और इधर 4 AE, और ये माइनस 3 AE इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 AE प्लस होगा और 4 AE पहले से है तो 7 AE हो गया, इधर बचा 45 इक्वल 7 AE, हमको निकालना क्या है AE, तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, 45 अपॉन 7 डिवाइड करो, 7 6 जा 42 कितना बचा 3 डेसिमल और 7 4 जा 28 20 हो गया, तो 7 2 जा 14 डेसिमल के दो प्लेस तक छोड़ दो, ठीक है, तो AE कितना आएगा 6.42 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फिफ्थ को देखते हैं, इसमें AD अपॉन DB, AD अपॉन BD लिखो या DB लिखो, वो आपको रेशियो दे रखा है 4 अपॉन 5, EC आपको गिवन है, AE इसने पूछा है, देखो ये वाली कंडीशन है DE BC के पैरेलल है तो AD बाई DB वो तो आपको मिला हुआ है, ठीक है, इक्वल किसके होना चाहिए, AE बाई EC, ओके, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, सिंस DE पैरेलल BC दिस इंप्लाइज AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC by BPT। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे AD by DB, ये तो कंप्लीट 4 अपॉन 5 है, लेफ्ट साइड 4 अपॉन 5 गिवन है, इक्वल AE, AE तो फाइंड करना है, उसको एज इट इज लिखा मैंने, अपॉन EC, EC कितना है 2.5 है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AE इक्वल 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 2.5, ये कैंसिल 0.5 टाइम, 0.5 इंटू 4 2 सेंटीमीटर, तो AE कितना आ गया 2 सेंटीमीटर आ गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में इसने बोल रखा है इस डायग्राम में अगर FEAC के पैरेलल हो, मतलब ये साइड इसके पैरेलल है और ये कुछ मेजरमेंट आपके पास है तो AF आपको फाइंड करना है, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो हम BPT अप्लाई कर सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC FEAC
पैरेलल टू एसी, ये गिवन है। अगर एफ ई एसी के पैरेलल है देन यूजिंग बीपीटी बी एफ अपॉन एफ ए इक्वल बी ई अपॉन ई सी देन बाई बीपीटी बी एफ अपॉन एफ ए। या फिर यहां पे आप ये देखो कि आपके पास पार्ट वाइज दे रखा है या फिर कंप्लीट साइड फॉर्मेट में दे रखा है, कंप्लीट साइड आ रही है ए बी, तो अब मैं बी एफ लू या ए एफ लू वो डिपेंड करता है यहां पे मेजरमेंट क्या है, ए एफ फाइंड करना है। इसका मतलब मैं ए एफ अपॉन कंप्लीट साइड लेके चलूंगा, ठीक है। तो अब ये यहां पे मैं बीपीटी नहीं कोरोलरी ऑफ बीपीटी अप्लाई करूंगा, ठीक है। और वो क्या कहती है, कोई भी एक पार्ट लो आपको, जैसे कि ये फाइंड करना है ए एफ, तो मैं ए एफ पार्ट को ले रहा हूं, अपॉन कंप्लीट साइड लेनी है ए एफ अपॉन ए बी लेंगे, तो इधर ई सी अपॉन कंप्लीट साइड लेंगे ई सी अपॉन बी सी। अब इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो ए एफ फाइंड करना है एज इट इज अपॉन ए बी, ए बी कितना है 13, ई सी 2 और बी सी 10, 1 जा 5 जा ए एफ इक्वल ये तो है 1/5 और ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई 13, तो ये आएगा 13/5, डिवाइड करें तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा 5 2 जा 10, 3 और 5 6 जा 30, यानी ए एफ आ गया आपके पास 2.6 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है इसको देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में इसने बोल रखा है कि इस डायग्राम में अगर ए बी ई डब्ल्यू के पैरेलल हो, ए बी पैरेलल टू ई डब्ल्यू, ठीक है, और ए डी की मेजरमेंट आपके पास है, ए डी आपको गिवन है, ये ए डी, ठीक है, डी ई कंप्लीट पार्ट, इसका मतलब कोरोलरी अप्लाई होगी यहाँ पे, ठीक है, डी डब्ल्यू सॉरी डी डब्ल्यू हाँ ये कंप्लीट साइड, ये भी आपके पास, और डी बी फाइंड करना है, लेकिन हम तो यहाँ पे ए डी रखे क्या, ओके तो डी बी इजिली हो जाएगा, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे गिवन क्या है, ए बी पैरेलल टू ई डब्ल्यू देन बाई कोरोलरी ऑफ बी पी टी, तो बी पी टी वाली जो कोरोलरी वो हम अप्लाई कर रहे हैं, ए डी अपॉन डी ई इक्वल ए डी के कोरस्पॉन्ड डी बी अपॉन डी डब्ल्यू, वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। ए डी देखो ए डी कितना है 4 है, 4 अपॉन डी ई 12, डी बी कितना है वो तो फाइंड करना है वो एज इट इज, और नीचे डी डब्ल्यू 24, ये 1 जा ये 3 जा 1/3 और ये 24 इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर क्या बचा डी बी, ये कैंसिल 8 जा, डी बी आ गया आपके पास 8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन सेकेंड कंप्लीट होता है आपका। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन ट्रायंगल एबीसी पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, कोई एक ट्रायंगल एबीसी उसकी जो साइड है ए बी और ए सी उन पे दो पॉइंट है, सच दैट पी क्यू दोनों को ज्वाइन करें तो वो थर्ड साइड ए बी सी के पैरेलल आ रहा है। मतलब इस टाइप से जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डायग्राम बनाया था, ये मान लेते ये ट्रायंगल है ए बी सी और इस ट्रायंगल ए बी सी की साइड ए बी और ए सी, ए बी और ए सी इन पे दो पॉइंट है, एक पे पी है और एक पे क्यू है, ठीक है। तो ए बी पे मैंने पी ले लिया और ए सी पे मैंने क्यू इस टाइप से लिया कि जब मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं तो ये जो लाइन सेगमेंट पी क्यू आया ये थर्ड साइड बी सी के पैरेलल हो, तो गिवन में क्या हो गया पी क्यू पैरेलल बी सी, ठीक है। और आपको कुछ वैल्यूज दे रखी हैं और ए बी आपको कैलकुलेट करना है, कंप्लीट साइड कैलकुलेट करनी है, ओके। तो डेफिनेटली कोरोलरी अप्लाई होनी चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे देखो पार्ट ए पी आर है और कंप्लीट साइड ए बी आपको चाहिए, ओके। तो ए पी अपॉन ए बी इक्वल ए क्यू अपॉन ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो ए क्यू आपके पास है बिल्कुल, ए सी नहीं है कोई दिक्कत नहीं, ए सी आप इजीली निकालोगे क्योंकि ए क्यू प्लस क्यू सी दोनों को ऐड कर लोगे 2+3, ए क्यू प्लस क्यू सी कंप्लीट ए सी बन जाएगी। तो चाहो तो आप कोरोलरी अप्लाई कर सकते हो या फिर बीपीटी अप्लाई कर सकते हो, मैं कोरोलरी अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ए सी अगर मैं निकालू तो ए सी को मैं लिखू ए क्यू प्लस क्यू सी और ए क्यू हमारे पास कितना है 2 और क्यू सी कितना है 3, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ए सी आपने निकाल लिया अब, ठीक है, बाई कोरोलरी ऑफ बी पी टी, वो क्या कहेगी ए पी अपॉन पी बी इक्वल सॉरी ए पी अपॉन ए बी कंप्लीट साइड ए बी इक्वल ए क्यू अपॉन कंप्लीट साइड ए सी। अब इसमें आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ए पी देखो ए पी कितना है 2.4 अपॉन ए बी, ए बी कितना है ए बी ये तो फाइंड करना है, इसको मैंने एज इट इज लिखा इक्वल ए क्यू, ए क्यू कितना है ए क्यू आपके पास 2 है अपॉन कंप्लीट ए सी, ए सी कितना है अभी आपने निकाला था 5। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2.5 × 5 इसको इससे मल्टीप्लाई और ए बी को 2 से ए बी इंटू 2 इनको मल्टीप्लाई करो, ये 4 था ना 5 हो गया 24 5 जो 120 मतलब 12 आ गया,
और इधर ए बी, और ये टू अपॉन में आ जाएगा, तो डिवाइड करने पे ए बी कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। तो ए बी आपने कैलकुलेट किया 6 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था। अब फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रखे इसने ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। कोई एक ट्रायंगल है, अब की बार पी क्यू आर है, पहले ए बी सी था, अब की बार पी क्यू आर आ गया, पी क्यू आर, ओके। और ये कह रहा है कि जो ई है ना वो तो पी क्यू साइड पे है, पी क्यू पे कहीं ना कहीं ई पॉइंट है, और जो एफ पॉइंट है वो पी आर पे है, सच दैट इस तरीके से है, ओके ओके। ये हमको चेक करना है कि क्या ई एफ क्यू आर पैरेलल हो सकते हैं, अगर ये कंडीशन हो तो मैं एफ को यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, और ई को एफ से मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि क्या ई एफ पैरेलल क्यू आर हो सकता है, ई एफ और क्यू आर दोनों पैरेलल कब हो सकते हैं, कन्वर्स ऑफ बी पी टी से देखो, इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो इक्वल हो जाना चाहिए, ठीक है। आपके पास क्या है, पी ई है, ओके, क्यू ई, ओके, पी एफ, ओके, और आर एफ, एफ आर या आर एफ एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे पी ई अपॉन ई क्यू, ठीक है, पी ई कितना है 4, ई क्यू कितना है 4.5, कैंसिल नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, आप थोड़ा इसका सिंप्लीफाई कर लो, तो इसको इसका पॉइंट हटा दिया मैंने, 40 हो गया, नीचे 45, 5 से कैंसिल, 8/9, ठीक है। अब इस साइड पे रेशो लो, पी एफ अपॉन एफ आर सोल्व करो, पी एफ कितना है 8, एफ आर कितना है, आर एफ या एफ आर एक ही बात है, 9। क्या ये दोनों रेशो सेम है, सेम है। हेयर पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल पी एफ अपॉन एफ आर विच इज 8:9। अगर इन दोनों का रेशो, इन दोनों के रेशो के साथ सेम आ रहे हैं, है ना, उस केस में हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं, देन बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो बीपीटी की कन्वर्स से हम इन दोनों को पैरेलल बता सकते हैं। इसका मतलब ई एफ और क्यू आर पैरेलल होंगे इस वाले केस के लिए, ठीक है, ओके। ये इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पे आते हैं अब, तो अब देखते हैं सेकेंड पार्ट, और ये जो सेकेंड पार्ट है इसमें डायग्राम फिर से बनाते हैं। ये ट्रायंगल हमारे पास पी क्यू आर, और इसमें आपको ई एफ को क्यू आर के पैरेलल दे रखा है, यहाँ पे ई था, यहाँ पे एफ था, इनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ये हमको चेक करना है ना, ई एफ क्यू आर के पैरेलल है, चेक करना है अगर ये कंडीशन आपको गिवन हो तो, ठीक है। क्या रखिए, पी क्यू कंप्लीट साइड रखिए, तो कंप्लीट साइड है तो डेफिनेटली कोरोलरी अप्लाई करने वाले हम, और उसके साथ छोटा पार्ट देखो पी ई, हाँ ये वाला पार्ट है, यानी पी ई अपॉन पी क्यू, तो इधर पी एफ अपॉन पी आर लेना पड़ेगा हमको, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो मैं पी ई अपॉन पी क्यू निकाल रहा हूँ, तो पी ई अपॉन पी क्यू करेंगे तो पी ई कितना है 0.18 अपॉन पी क्यू 1.28, डेसिमल हटाएंगे 18/128, ठीक है, और ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 9 जा 2 से 64 जा, 9/64 आ गया, ठीक है। अब इस साइड पी एफ अपॉन पी आर निकालेंगे, पी एफ अपॉन पी आर, पी एफ देखो कितना है 0.36 अपॉन पी आर 2.5856, डेसिमल हटाओ 36/256, ओके, 4 से कैंसिल करो, 9, 4 से इसमें डिवाइड करते हैं, तो 4/6 जा और 4/4 जा, 9/64 आ गया, ठीक है, दोनों रेशो सेम आ रहे हैं। हेयर पी ई अपॉन पी क्यू इक्वल पी एफ अपॉन पी आर, सो बाई कोरोलरी ऑफ बी पी टी वी हैव कन्वर्स ऑफ बी पी टी, रेशो आया ना, पैरेलल प्रूव करेंगे, कन्वर्स कोरोलरी ऑफ कन्वर्स ऑफ बी पी टी, कन्वर्स ऑफ बी पी टी वी हैव ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ भी ई एफ और क्यू आर पैरेलल आ रही हैं इस वाले केस में भी। अब जो थर्ड पार्ट है इसका उसको देखते हैं, तो थर्ड पार्ट में हमको पी ई, ई क्यू, पी एफ और एफ आर रखा है, डायग्राम वही रहेगा हमारे पास, तो यहाँ पे पी ई और ई क्यू मिल रहा है, पी ई और ई क्यू यानी पी पी टी अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, और पी एफ एफ आर, पी एफ एफ आर, ओके। तो हम ये रेशो लेके चलेंगे, अगर ये इक्वल हो गया तो कन्वर्स ऑफ पीपीटी से इन दोनों को पैरेलल बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं पी ई अपॉन ई क्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल पी ई 3.9, ई क्यू 3,
1.3 आ रहा है, एंड पी एफ अपॉन एफ आर 3.6 अपॉन 2.4, डेसिमल हटाएंगे तो ये आएगा 36 अपॉन 24, ये कैंसिल आउट हो रहा है, 4 9 जा और 4 6 जा, अच्छा 12 से हो रहा था, कोई बात नहीं, अब 3 से कर लो, 3 जा 2 जा, डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा। क्या ये और ये इक्वल क्वांटिटी है? इक्वल नहीं है। हेयर पी ई अपॉन ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, अगर ये रेशो इक्वल नहीं है देन कन्वर्स ऑफ पीपीटी अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब जो ई एफ है और जो क्यू आर है वो नॉन पैरेलल होंगे, पैरेलल नहीं होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को देखते हैं, तो देखते हैं फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में, एक्स एंड वाई आर पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, कोई एक ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी और उसकी जो साइड है ए बी और ए सी उन पे हमको दो पॉइंट लेने हैं एक्स और वाई। एक्स जो पॉइंट है वो तो ए बी पे है, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं एक्स है और ए सी पे आपके पास कहीं वाई है, ठीक है। और ये कह रहा है ए एक्स उसका रेशो ए बी के साथ कोरोलरी अप्लाई कर रखी है वो 1:4 है, ए वाई आपको गिवन है और वाई सी ये आपको गिवन है, उस केस में एक्स वाई और बी सी पैरेलल है क्या? अगर मैं एक्स वाई ड्रॉ करूं तो क्या ये इसके पैरेलल आएगी? सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसी टाइप से, उसी का एक पार्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, देखो ए एक्स अपॉन ए बी ये रखे ना ए एक्स अपॉन ए बी, तो मैं भी क्या निकालूंगा ए वाई अपॉन ए सी निकालूंगा, ठीक है। दोनों का रेशो सेम आना चाहिए, ए एक्स अपॉन ए बी आपको गिवन है 1/4 गिवन, ठीक है। अगर मैं ए सी कैलकुलेट करूं तो ए सी मेरे को क्या मिलेगा, ए वाई प्लस सी वाई, ए वाई प्लस वाई सी, ए वाई कितने 2 यहां से और वाई सी 6 है, तो 2 प्लस 6 यानी 8 सेंटीमीटर मेरे को ए सी मिल गया। देन अगर मैं अब ए वाई अपॉन ए सी कैलकुलेट करूं तो ए वाई देखो ए वाई कितने आपके पास 2 अपॉन ए सी 8, कैंसिल आउट करो 1/4। क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल सेम आ रहे। हेयर ए एक्स अपॉन ए बी इक्वल ए वाई अपॉन ए सी, दोनों का रेशो इक्वल आ रहा है 1/4 आ रहा है, ठीक है। देन बाई कन्वर्स कोरोलरी ऑफ बीपीटी, ऑफ बीपीटी क्या आएगा, ये इसके पैरेलल हो जाएगी, ओके एक्स वाई पैरेलल टू बी सी, यही यहाँ पे हमको चेक करना था, ओके। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी कुछ ऐसा ही है, तो क्वेश्चन को लिखते पहले, फिफ्थ के सेकंड पार्ट में ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली द पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट, ये आपको कुछ वैल्यूज दे रखी है, ये मान लेते ट्रायंगल पी क्यू आर है और इसकी साइड पी क्यू पे तो पॉइंट आपको ए लेना है और पी आर साइड पे पॉइंट बी लेना है और दोनों को मैं ज्वाइन कर रहा हूं क्योंकि हमको चेक करना है ए बी और क्यू आर पैरेलल है क्या, ठीक है। और उसके साथ ये रेशो हमको गिवन है पी क्यू, पी क्यू टोटल 12.5 है, पी ए ये वाला पार्ट 5 है, बी आर अब की बार नीचे वाला दे दिया लेकिन हमको पी ए अपॉन पी क्यू मिल रहा है ना, तो हम भी पी बी अपॉन पी आर निकालना चाहेंगे, इसका मतलब पी बी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो पी बी कितना है 4 है और बी आर आपको गिवन है तो टोटल पी आर ये आ जाएगा, ठीक है। मेरे को लगा पी बी नहीं है, पी बी है हमारे पास लेकिन कंप्लीट साइड नहीं है, तो कंप्लीट साइड पी आर हम इजिली कैलकुलेट कर लेंगे दोनों को ऐड करके, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं पी आर ही निकाल लेता हूँ, पी आर को मैं लिख सकता हूँ पी बी प्लस बी आर, वैल्यू पुट कर दो, पी बी कितना है देखो 4 और बी आर 6, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर पी आर, ठीक है। नाउ अब मैं रेशियो निकालूंगा पी ए अपॉन पी क्यू, पी ए कितने देखो पी ए 5 अपॉन पी क्यू 12.5, तो डेसिमल हटाएं तो 50 अपॉन 125, ये 25 से कैंसिल, 2 जा 25, 5 जा 2 अपॉन 5 आ गया। इस साइड अगर मैं रेशियो निकालूं तो पी बी अपॉन पी आर निकालना पड़ेगा, पी बी देखो कितने पी बी, पी बी हमारे पास ये रहा 4 और पी आर हमने निकाला था 10, 2 से कैंसिल आउट करो 2 अपॉन 5, ये दोनों रेशियो से हमारे हेयर पी बी अपॉन पी आर इक्वल पी ए अपॉन पी क्यू, ओके। सो बाई
कन्वर्स कोरोलरी ऑफ बीपीटी वी हैव ए बी पैरेलल टू क्यू आर, ए बी पैरेलल क्यू आर, यही हमको चेक करना था। तो ए बी यहाँ पे क्यू आर के पैरेलल है। ओके, इस एक्सरसाइज में टोटल 15 क्वेश्चन है, उनमें से क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया इस लेक्चर थर्ड में, और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस और कर लेंगे।